हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों से मुझे फीडबैक मिला कि लेसन फर्स्ट का जो पोएम पार्ट है द रोड नॉट टेकन, इसका एक्सप्लेनेशन आप तक नहीं पहुंचा था। इस वजह से मैं ये डिसाइड किया कि मैं दोबारा इस पोएम को फिर से एक्सप्लेन करूंगा और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो इस लेसन का वर्ड मीनिंग है वो भी साथ साथ ही दे दूंगा। तो आप इसे देख लेंगे और लिख लेंगे और इस पोएम को जैसे एक्सप्लेनेशन मैंने किया है आप भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन इस लेसन के हेडिंग का मतलब है कि वह मार्ग वो या वह रास्ता जिसे नहीं लिया गया यानी नहीं चुना गया। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, ये जो प्रसिद्ध कविता है यह विकल्प को चुनने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और वो विकल्प जो हमें बनाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लेखक हैं हु राइट सिंपली, जो बहुत ही साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इनसाइटफुली, लेकिन बड़े ही व्यवहारिक ढंग से लिखते हैं अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, और लगभग सामान्य और साधारण अनुभव के बारे में लिखते हैं। तो ये विकल्प जो हमें लाइफ में मिलते हैं और हम भी किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हमारे सामने दो या दो से अधिक विकल्प हों तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा विकल्प सही है, किसको चुना जाए। तो वैसे ही ये कंफ्यूजन इस राइटर को भी है, उसके सामने भी दो विकल्प हैं, तो वो भी कौन सा विकल्प सही है इसको ढूंढने के लिए क्या सोचता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसी बातों को इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, दो रास्ते एक येलो वुड में। येलो वुड यहाँ कहने का मतलब कि ऑटम का समय है और जंगल के सारे पेड़ के जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो गई हैं, तो जंगल पूरा येलो जैसा दिखाई दे रहा है, पीला कलर का दिखाई दे रहा है। तो राइटर जो है एक जंगल में जाना चाहता है जहाँ जंगल में घुसने के लिए दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं जो कि दो दिशाओं में गए हुए हैं। तो राइटर जो है ये सोच रहा है कि कौन सा मार्ग सही है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और कहता है मुझे दुख है कि मैं दोनों को तय नहीं कर सकता हूँ, यानी दोनों को नहीं चुन सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री के रूप में लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और देखता रहा, एज लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एक रास्ते को मैं देखता रहा जितना ज़्यादा दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियों को बोलते हैं। तो ये जो रास्ता था जिसे राइटर देख रहा था, तो ये कहता है कि मैं वहाँ तक देखते रहा जब तक यह झाड़ियों की तरफ मुड़ नहीं गया, यानी झाड़ियों के बाद वो नहीं देख सकता था। देन टुक द अदर, तब उसने पहले रास्ते को छोड़कर अब दूसरे रास्ते को देखा। जस्ट एज फेयर, ये उचित लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और लग रहा था शायद ये सही विकल्प होगा, सही दावा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घास से भरा हुआ था। एंड वॉन्टेड वियर, और कम चला गया था। वॉन्टेड वियर मीन्स जिस पर कम चला गया हो, कम यूज़ किया गया हो। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि इस पर गुजरने का जो बात है, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, इस पर भी वास्तव में उतना ही चला गया था, यानी दूसरे रास्ते पर भी उतना ही चला गया था, लेकिन यह घास से भरा हुआ लग रहा था, और लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस घास पर लोग कम चले हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस पर चले नहीं थे, लोग चले हुए थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले,
और अगली सुबह दोनों ही रास्ते बराबर रूप में दिख रही थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इन पर पत्तियां थी जिस पर अभी चला नहीं गया था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो राइटर कहता है कि अच्छा ठीक है, अरे मैं इसे पहले वाले जो रास्ता है उसको मैं दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, क्योंकि राइटर बोलता है कि यद्यपि मैं जानता था कि किस प्रकार एक मार्ग दूसरे मार्ग पर ले जाता है। I doubted if I should ever come back, और मुझे संदेह था कि शायद कभी मैं वापस नहीं आ सकूँगा। मतलब राइटर को ये डाउट है कि मैं जिस रास्ते को चुन रहा हूँ, जिस विकल्प को चुन रहा हूँ, शायद वो रास्ता मेरे लिए सही है कि नहीं है, वो राइटर को नहीं पता। I shall be telling this with a sigh, मैं इसे आहें भर के कहता रहूँगा, somewhere ages and ages, यानी कभी भविष्य में मैं आहें भर के इसके बारे में कहता रहूँगा। Hence, और इस प्रकार two roads diverged in a wood, किस तरीके से ये कहता रहेगा राइटर, राइटर बोलता रहेगा कि दो सड़कें कभी जंगल में विभाजित हुई थी। एंड आई, और मैं, और पॉज लेते हुए बोलता है आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कम तय किया गया था, कम चला गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही मेरे जीवन में महान अंतर ला दिया। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, तो आज ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। और मैं आपको इसके साथ वर्ड मीनिंग भी साथ साथ दे देता हूँ, और आप इसे देख लेंगे और लिख लेंगे। That's all for this point.